प्यारे बच्चों वालेकुम आज के इस वीडियो का टॉपिक है एम सी क्यूज़ और ये एम सी क्यूज़ हैं टेंथ क्लास की केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 11 के और इस यूनिट का टाइटल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तमाम एम सी क्यूज़ इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम्स में हैं ताकि दोनों मीडियम्स के बच्चों को आसानी से एम सी क्यूज़ इनकी तैयारी हो सके जनरल फार्मूला ऑफ अलकायल रेडिकल इज अलका रेडिकल्स का जनरल फॉर्मूला क्या है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल्स इज सी एन एच टू एन प्लस वन द फंक्शनल ग्रुप माइनस सी डबलओ एच इज फाउंड इन फंक्शनल ग्रुप माइनस सी डबलो एच इनमें से किस में पाया जाता है इन ऑप्शंस को सही तरीके से रीड कर लें और करेक्ट ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स द फंक्शनल ग्रुप माइनस सी डब्लो एच इज फाउंड इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म चेन्स इज कॉल्ड कार्बन एटम्स की चेन बनाने की सलाहियत को क्या कहते हैं सही ऑप्शन है कैटिनेशन द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन कैटिनेशन कार्बन एटम्स की चेन बनाने की सलाहियत के अमल को कहते हैं पिच इज ब्लैक रेजिड्यू ऑफ पिच इनमें से किस चीज का से वेस्ट होता है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू पिच इज ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल टार। पिच कोल तार वेस्ट होता है आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ कीटोन इनमें से कौन सा कंपाउंड कीटोन कंपाउंड है और दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू सी एच थ्री कोल हैविंग नाइंटी परसेंट कार्बन कॉन्टेंट्स इज कॉल्ड जिस कोयला में नब्बे फीसद कार्बन के अज्जा मौजूद होते हैं उसको कहते हैं दुस्त ऑप्शन है एंथ्रासाइट कोल हैविंग 90 परसेंट कार्बन कॉन्टेंट्स इज कॉल्ड एंथ्रासाइट जिस कोयला में नब्बे फीसद कार्बन के अज्जा मौजूद होते हैं उसको एंथ्रासाइट कहते हैं इन लेबॉरट्री यूरिया वाज प्रिपेयरड बाय लेबॉट्री में किस साइंसदान ने यूरिया तैयार किया था और दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर वन वुलर इन लेबॉरट्री यूरिया वाज प्रिपेयर बाय वुलर लेबॉरट्री में वुलर ने यूरिया तैयार किया था कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कोल गैस किस किस का मिक्सचर है दुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ सीओ सी एच फोर एंड एच टू फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल इज एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप इनमें से कौन सा है और दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन

इनमें से कौन सा है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू मालिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज सी फोर एच टेन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद हाइड्रोकार्बन एंड देयर ड्रिवेटिव इज कॉल्ड केमिस्ट्री की वो शाख जो हाइड्रोकार्बंस और उनके ड्रिवेटिव के बारे में बात करती है वो क्या कहलाती है तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद हाइड्रोकार्बन एंड द ड्रीवेटिव इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी शाख जो हाइड्रोकार्बंस और उनके ड्रिवेटिव के बारे में बात करती है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है द फॉर्मूला ऑफ पैंटेन इज पैंटेन का फॉर्मूला इनमें से कौन सा है option number one. The formula of pantane is C5H12. Which one of the following is an unsaturated hydrocarbons? In may say counts unsaturated hydrocarbons. Hai? Sahi option. Option number three. Which one of the following is an unsaturated hydrocarbons? It is

द स्ट्रोंग हीटिंग ऑफ कोल इन रिटॉर्ट्स इन द एबसेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड हवा की गैर मौजूदगी में कोयला को रिटॉर्ट या शीशे की सुराही में बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करने के अमल को क्या कहते हैं सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर द स्ट्रोंग हीटिंग ऑफ कोल इन रिटॉर्ट्स इन द एबसेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हवा की गैर मौजूदगी में कोयला को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करने के अमल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कोल इनमें से कोयले की सख्त तरीन शक्ल या किस्म कौन सी है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर एंथ्रास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कोल एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयले की सख्त तरीन किस्म है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल इन चारों में से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं होता सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर थ्री बायोगैस कोल नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ये तीनों फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जबकि बायोगैस फॉसिल फ्यूल नहीं होता

कार्बनाइजेशन प्रोसेस लकड़ी की कोयले में तब्दीली के अमल को कहते हैं अमाउंट ऑफ कार्बन इन लिग्नाइट कोल इज लिग्नाइट कोल में कार्बन की मिकदार कितनी होती है दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन अमाउंट ऑफ कार्बन इन लिग्नाइट कोल इज सेवेंटी परसेंट द प्लांट्स यूज पौधे इस्तेमाल करते हैं ये बहुत आसान ऑप्शन है आपको भी पता होगा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड। वुड कंटेन्स कार्बन अबाउट लकड़ी में कार्बन की मकदार होती है तकरीबन 40 फीसद वुड कंटेन्स कार्बन अबाउट 40 परसेंट लकड़ी में तकरीबन 40 फीसद कार्बन होती है कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स इंटू कोल बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड हीट इज कॉल्ड बैक्टीरिया और हरारत या हीट की मदद से मुर्दा पौधों का या हम कह सकते हैं कि लकड़ी का कोयले में तब्दीली का अमल क्या कहलाता है दुरुस्त ऑप्शन है कार्बनाइजेशन कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स और वुड इन टू कोल बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड हीट इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन बैक्टीरिया और हरारत या हीट की मदद से मुर्दा पौधों का या लकड़ी का कोयले में तब्दीली का अमल कार्बनाइजेशन कहलाता है पीट कंटेन्स परसेंटेज ऑफ कार्बन पीट में कार्बन की फीसद मकदार कितनी होती है ये होती है जी साठ फीसद पीट कंटेन्स परसेंटेज ऑफ कार्बन सिक्सटी परसेंट साठ फीसद कार्बन होती है पीट में द जनरल फार्मूला ऑफ एल डी हाइड इज एल डी हाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है ये होता है ऑर सी एच ओ द जनरल फार्मूला ऑफ एल डी हाइड इज ऑर सी एच ओ द फॉर्मूला ऑफ इथाइल रेडिकल इज एथाइल रेडिकल का फार्मूला होता है सी टू एच फाइव माइनस द फॉर्मूला ऑफ इथाइल रेडिकल इज इथाइल रेडिकल का फार्मूला होता है सी टू एच फाइव माइनस थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स थैंक्स